Hello students, how are you all? It's been a long time since we haven't met, but I hope you all are doing good at your home, staying safe. So let's back to our busy schedule. So today we are going to start chapter number 2 of your computer, that is computer virus. So this virus word is most common word in 2020. So let's begin our chapter. Computer virus. What is virus? You all know what is virus. अब बात क्या होती है virus जो होता है एक ऐसी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होता है. बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की वायरस की. तो जो कंप्यूटर का वायरस होता है वो हमेशा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या उसके सोर्सेज से कंप्यूटर में ट्रांसमिट होता है. सो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर वायरस होता है. अब हम बात करेंगे कंप्यूटर वायरस क्रिएट कौन करता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. जिस तरह से ह्यूमन बीइंग अपनी लापरवाही की वजह से किसी भी वायरस को अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करता है, उसी तरह से कंप्यूटर में जो प्रोग्रामर होता है, अ पर्सन हु राइट्स द प्रोग्राम, और ऐसा इंसान जो पूरे कंप्यूटर को रेगुलेट करता है, वो खुद जिम्मेदार होता है किसी भी वायरस को कंप्यूटर के अंदर एंटर करने में. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग की, वेन वी राइट एनी सर्टेन प्रोग्राम तो कुछ ऐसे आइकन्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे गलती से डिस्प्ले हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर स्क्रीन पे वो आइकन डिस्प्ले होने की वजह से कंप्यूटर में वायरस आ जाता है. नेक्स्ट इफेक्ट्स ऑफ वायरस. आप सभी को पता है अगर हमारी बॉडी में कोई भी वायरस एंटर होता है तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. हमारी बॉडी काम करना बंद हो जाती है या फिर हमारी बॉडी में जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है. उसी तरह से कंप्यूटर में जो वर्किंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, कंप्यूटर बार बार शट डाउन हो जाता है, रीबूट हो जाता है, उसके कीबोर्ड लॉक हो जाती है. तो ये सारी चीजों की वजह से कंप्यूटर में वायरस फैलता है और कंप्यूटर के इफेक्ट्स होते हैं उस वायरस से. नेक्स्ट हम बात करेंगे वायरस स्प्रेड कैसे होता है, मतलब फैलता कैसे. जिस तरह से हमारी बॉडी में वायरस फैलता है उसी तरह से कंप्यूटर में वायरस फैलता है. फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज स्नीजिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कफिंग इन फ्रंट ऑफ यू, देन आपको वायरस आपकी बॉडी में वायरस बहुत इजीली आ सकता है अगर आपने प्रोटेक्शन नहीं रखा है. उसी तरह से मैं यहाँ चार फैक्टर्स की बात करूंगी जिसके बेसिस पे कंप्यूटर के अंदर वायरस स्प्रेड किया जाता है. फर्स्ट ओरिजिनेशन. फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज गोइंग आउट इन द COVID-19 विदाउट एनी प्रोटेक्शन, सो ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वायरस. सर्टेनली अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो यहाँ पे जो प्रोग्रामर होता है सबसे फर्स्ट इंसान वही रिस्पॉन्सिबल होता है जो वायरस को ट्रांसमिट करता है अपने खुद की कंप्यूटर के अंदर. नेक्स्ट मैं बात करती हूँ रिप्रोडक्शन. अगर एक इंसान को वायरस ने ट्रांसमिट कर लिया है तो अगर वो अपने घर जा रहा है तो उसके सारे घर वाले भी उस वायरस से ट्रांसमिट हो जाएंगे. जस्ट लाइक दैट अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्शन में कंप्यूटर की, सो इफ यू अटैच एनी सीडी ड्राइव, पेन ड्राइव और एनी अदर थिंग, फाइल स्टोरेज, तो वो सारे जो वायरस उसके अंदर होते हैं वो सारे कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं और उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट है ट्रांसमिशन. अब ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है. सो अभी मैंने आपको क्या बताया सारे फैक्टर्स, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इन सबकी वजह से जो वायरस है वो ट्रांसमिट होता है. एंड द लास्ट वन इज इन्फेक्शन. इन्फेक्शन कैसे होता है कंप्यूटर के अंदर, तो कंप्यूटर में इन सब चीजों की वजह से जो भी ड्राइव होती है, जो भी फाइल डेटा स्टोरेज होते हैं, जब हम उनको अटैच करते हैं तो उनकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं. सबसे फर्स्ट कॉज ये होता है, मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो वर्क करना स्लो कर देता है. सेकेंड कंप्यूटर बार बार शट डाउन हो जाता है, उसकी डिस्प्ले पे अपने आप एक मैसेज आने लग जाता है हेलो आई एम योर फ्रेंड और यूजर नेम आ जाता है. तो आपको लगता है कि इट्स योर रियल फ्रेंड, मतलब आपको लगता है कि सच में ये आपका फ्रेंड है या फिर कंप्यूटर की तरफ से आपको कोई विशिष्ट मैसेज आ रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो और सडनली आपका वॉलपेपर लॉक हो जाता है. तो ये सारे जो रीजंस हैं इनसे कंप्यूटर में इन्फेक्शन फैलता है. अब हम डील करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. नाउ वी विल टॉक अबाउट कंप्यूटर वायरस के उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और हम उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. तो कंप्यूटर वायरस के सिम्टम्स में मैंने आपको पहले भी बताया था. सबसे फर्स्ट ये होता है कि जो कीबोर्ड कीज होती है वो लॉक हो जाती है, हमारी फाइल जो होती है वो वैनिश हो जाती है, गायब होना स्टार्ट हो जाती है, और उसके अलावा हमारा जो कंप्यूटर है वो स्लो वर्क करने लग जाता है. जितनी भी फाइल्स होती है वो डबल हो जाती है, एक ही फाइल मतलब डबल बार शुरू होती है. तो ये सारी जो चीजें होती है इसके
वायरस को प्रिवेंट कैसे किया जाए। सो एज यंगस्टर्स यू ऑल नो दैट कंप्यूटर का जो वायरस है उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स नाम की कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, और उन सारे सॉफ्टवेयर से हम जब उनको अपडेट करते हैं तब उस वो सॉफ्टवेयर डेली हमारे कंप्यूटर में जितने भी वायरस है उनको रिमूव कर देते हैं। नाउ अब ये सॉफ्टवेयर हमें मिलेंगे कैसे, सो हम इसे किसी भी कंप्यूटर स्टोर या फिर किसी भी एप्स पर कंप्यूटर से हम डायरेक्टली से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इन एप्स को यूज कैसे करें, तो हमें इनको डेली से डेली अपडेट करते रहना चाहिए ताकि जो भी हमारे कंप्यूटर में वायरस हो इनको ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर दे। ये तो हो गया हमारे कंप्यूटर वायरस को हम किस तरह से प्रिवेंट करेंगे थ्रू एप्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ प्रिकॉशंस की जो हम लोगों को लेने चाहिए जब भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं। हमें किसी भी अननोन सोर्सेज से जब फाइल्स आए तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, किसी की भी ईमेल हमारे कंप्यूटर में अटैच नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ईमेल हमारे कंप्यूटर के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट मैंने आपको पहले भी बताया कोई भी फाइल स्टोर जब आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर रहे हैं तो देख लीजिए कि उसमें वायरस है या नहीं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। उसके अलावा आपके कंप्यूटर को आपको रेगुलरली बैकअप करना चाहिए, जितनी भी एक्स्ट्रा फाइल्स या जो रबिश फाइल्स है उनको आप डिलीट कर सकते हैं डेली। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे हम किस तरह से कंप्यूटर वायरस से छुटकारा पा सकते हैं। तो अभी मैंने आपको अच्छे से बताया है ये सारे आपके प्रिवेंट करने के जो भी चीजें हैं मैंने आपको सब बताई है, आप उसी तरीके से कंप्यूटर वायरस से छुटकारा पा सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर टेस्ट कि इसके अलावा और कौन सी चीजें होती है जिससे कंप्यूटर के अंदर वायरस फैल सकता है। सबसे फर्स्ट है ट्रोजन। आपने देखा होगा जब भी आप फोन चलाते हैं उस टाइम पे बहुत गूगल पे आप जब कुछ डाउनलोड करते हैं तो एक अजीब सी नोटिफिकेशन आती है, लाइक मतलब वो आपको फोन वार्निंग भी देता है कि इट मे अफेक्ट योर फोन स्टोरेज, है ना। सो यही ट्रोजन एक डॉक्यूमेंट टाइप एक फाइल टाइप चीज होती है जो हमारे कंप्यूटर में जब भी हम किसी सोर्स ऑफ न्यू फाइल को डाउनलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आती है कि डाउनलोड मी आन न्यू गेम और ऐसे करके, लेकिन आपको इससे अपनी कंप्यूटर में एंटर होने नहीं दे रहे। नेक्स्ट वॉर्म, इट इज अ टाइप ऑफ वॉर्म, रियल वॉर्म, मतलब जिस तरह से वॉर्म हमारी लाइक फार्मर्स की फील्ड को अफेक्ट कर देता है उस तरह से पूरे हमारे कंप्यूटर को अफेक्ट करता है, इसकी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, बैनिश कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पायवेयर, ये भी एक बॉम्ब की तरह ही होता है। ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर की जितनी भी इंटरनल फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स होते हैं और जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है उनको गैदर करके ये पूरे एक्सटर्नल कर देता है, उनको फैला देता है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ा स्टार्टिंग में, किस तरह से ये कंप्यूटर हमारे अंदर आता है, क्या क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं, किस तरह से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और इस वायरस से हम कोई छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है वायरस से छुटकारा पाने का कि आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में रेगुलरली डाउनलोड कीजिए, उनको अपडेट करिए ताकि आप लोगों को अपने कंप्यूटर में वायरस मतलब आप ना आए। नेक्स्ट बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तीन तरह के इसमें स्पेशल है, इन तीनों को हमारे कंप्यूटर में अगर हमने आने दिया, और स्पेशली तभी आएंगे जब आप एक्स्ट्रा कंप्यूटर में लाइक फाइल्स न्यू फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हो, तो बी श्योर कि जो फाइल्स आप डाउनलोड कर रहे हो उसमें किसी भी तरह का कोई भी वायरस इंक्लूड ना हो। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सभी को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द क्वेरी क्लासेस, टिल देन बाय, सी यू।